गोपालगंज के बरौली थाने के बतरदेह गांव में रविवार की दोपहर भैंस को नहलाने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण और स्थानीय गोताखोरों के मदद से एक किसान का शव उसी समय पानी से बाहर निकाला गया, जबकि 2 अन्य के शव को एनडीआरएफ की टीम ने शाम को बरामद किया। मृत किसान में बतरदेह गांव निवासी महातम चौधरी 50 वर्ष, नगेदर चौधरी 30 वर्ष और रंजीत कुमार 18 वर्ष शामिल है। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंचे सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ लापता किसान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गोताखोरों के मदद से महातम चौधरी का शव पानी से बाहर निकाला गया, वहीं नगेंद्र चौधरी व रंजीत कुमार के शव को एनडीआरएफ की टीम ने तलाशी के बाद शाम को बरामद किया। एसडीपीओ ने बताया कि मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के परिजन रामनरेश यादव ने बताया कि 3 एक ही परिवार के चाचा भतीजा व पोते थे। भैंस को नहलाने के लिए भागर जलाशय के पास गए हुए थे। बताया कि गंडक नदी के फैले पानी में रंजीत डूबने लगा, जिससे बचाने के लिए महातम चौधरी व नगेंद्र चौधरी तेज धार की तरफ निकले, लेकिन वे सभी लापता हो गए। काफ़ी खोजबीन के बाद पहले महातम चौधरी का शव मिला, फिर देर शाम को लापता दोनों किसान के शव को भी मिले गए। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।